अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी एनआरके 24 से। हरिद्वार में धर्म सांसद के नाम पर भाजपा आरएसएस और हिंदुत्व के बेवकूफ और जाहिल लीडर्स ने फिर से एक बार हिंदू मुसलमान में फसाद करवाने की साजिश की। कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड यानी नस्ल काशी शुरू कर देनी चाहिए और मुसलमानों को मुल्क से भगा देना चाहिए। शायद वो जाहिल लोग ये बात भूल गए कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना दूसरे मजहब वालों का है। इसी बात पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और दीगर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने हरिद्वार के इस धर्म सांसद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जहां मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड करने की साजिश की जा रही थी। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटेस्टर ने मुसलमानों की जेनोसाइड की डिमांड करने वाले यति नरसिंह आनंद और दीगर हिंदुत्व आरएसएस के लीडर्स की गिरफ्तारी की डिमांड करते हुए उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के रेजिग्नेशन की भी मांग की। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि ये प्रोटेस्ट करने वाले हिंदुस्तानी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल थे। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। तो इस देश में जो अमन पसंद लोग हैं, इस देश के जो डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, इस देश के जो नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, तुरंत उस जिनोसाइड वाली के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करते हैं और ये मांग करते हैं कि धर्म के आधार पे किसी की भी चैंटिंग नहीं होना चाहिए, किसी की आइडेंटिटी के नाम पे किसी की भी चैंटिंग नहीं होना चाहिए। और जो लोग अपने धर्म का ठेका लेके धर्म संसद में बुलाए और ओपनली मुसलमानों के खिलाफ जिनोसाइड कॉलिंग देते हैं, अभी तक उन लोगों की ना गिरफ्तारी हुई है, अभी तक ना उन लोगों के एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। ये शर्मनाक है। आज जो आप लोग आए हैं, ये जो दिल्ली के नागरिक समाज की तरफ से बुलाया हुआ प्रोटेस्ट में, ये कहता है कि कितना भी देश में नफरत फैलाने के लिए सरकार अपने पूरे तरफ से ताकत लगा दे, पुलिस को चुप रहने के लिए ताकत दे दे, और हर जगह पे जैसे हरिद्वार में हुआ, कल रायपुर में हुआ, आगे आने वाले दिनों में नोएडा में धर्म संसद के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, कल क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट के पुतले, और अलग अलग जगह पे जो फोड़े गए हैं, इसको जिस तरीके से किया गया है, आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग इस जेनोसाइड कॉलिंग के खिलाफ, इस क्रिमिनल विचेंट के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद करेंगे और आज हम लोग अपना सवाल शुरू करेंगे। हमारे बीच में सीपीएमएल के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य है, हम अपील करना चाहते हैं कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। अरे संगी गुंडे जान ले, तेरी बारी आई है, मिस्टर कौन ले, तेरी बारी आई है, मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बैठने वाले थोड़ी ना, तो बैठ जाइए। एक सेकंड, क्या हुआ? हम सब लोग हरिद्वार में पिछले दिनों इस तरह से जनसंहार का ऐलान किया गया, इसके खिलाफ दूर दूर हो जाते हैं ना, जनसंहार का ऐलान करने वालों को ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सबसे चुनाव है और हम सब लोग देख रहे हैं कि चुनाव से पहले पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए ये ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के अंदर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं ये उत्तराखंड का मामला, भैया थोड़ा माइक पीछे रखे, थोड़ा सा पीछे रखे माइक, दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर यहाँ अभी एक ऑडिटोरियम में हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को शपथ दिलवाई गई और मारने के लिए और मरने मिटने के लिए ऐलान किया गया। आपको पता है कर्नाटक के अंदर हमारे देश के एक युवा सांसद भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या,
उन्होंने कहा कि थोक भाव से इस देश में जो भी मुस्लिम है और ईसाई है उनकी घर वापसी हो और उन सबको हिंदू बना दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि आज पूरे देश में जो जर्मनी में जैसे फाइनल सोल्यूशन का नारा लगा था और फाइनल सोल्यूशन के नाम पर पूरे जर्मनी में जिस तरह से जनसंहार रचा गया था हिटलर के जमाने में, हमारे देश में भी कुछ लोग इसी रास्ते पर देश को धकेलना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले एक साल तक जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब तक किसानों का आंदोलन था ये मुद्दे नहीं बन पा रहे थे। ये तीनों कानून शायद इसीलिए वापस किए गए कि नरेंद्र मोदी को लगता है, मोदी सरकार को लगता है कि कृषि कानून वापस होने से किसानों के मुद्दे दब जाएंगे और इस देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए, जनसंहार रचने के लिए माहौल मिल जाएगा। और इसीलिए हम लोग ये भी संकल्प लेने के लिए आए हैं, इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को खारिज करने के लिए बिल्कुल ये जरूरी है कि हम देश में हमारे जो अन्य जरूरी मुद्दे हैं, चाहे हमारे किसान के मुद्दे, नौजवानों के रोजगार के सवाल, शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, हम अपने जिंदगी के मुद्दों को लेकर के देश की राजनीतिक एजेंडा तय करेंगे। और जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनसंहार के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, उन लोगों को राजनीति के मामले में भी आने वाले चुनाव में भी दरकिनार करना होगा, इन लोगों को धकेलना होगा पीछे। हम इसी मांग के साथ दिल्ली के नागरिक समाज की ओर से और पूरे देश के तमाम इंसाफ पसंद लोगों की ओर से, जनवाद पसंद लोगों की ओर से फिर एक बार इस मांग को दोहराते हैं कि उत्तराखंड में, हरिद्वार में, दिल्ली में और कर्नाटक में जिन लोगों ने भी इस देश के इस समय जनसंहार का ऐलान किया है, जेनोसाइड का कॉल किया है, जिन लोगों ने भी इस देश के अंदर जबरन घर वापसी का ऐलान किया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ ये हिंसा भड़काने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके खिलाफ FIR हो और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो। तेजस्वी सूर्या जैसे जो सांसद हैं जिन्होंने आज कहा है कि हम इसको वापस लेते हैं क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी पैदा हो रहा है, इनकी ये आदत है ऐसी बात करके वो कंट्रोवर्सी का नाम लेकर के थोड़ा बहुत पीछे हटते हैं, इन तमाम लोगों को संसद से भी हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग इस देश में संविधान के खिलाफ और जनता की एकता के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। आप सबको आने वाले दिन में भी इसी तरह से तैनात रहने के लिए और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए और जनवाद के पक्ष में, संविधान के पक्ष में माहौल बनाए रखने की अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।